अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोनिसास किचन। आज हम बनाएंगे कैरमल स्टीम ऑरेंज पुडिंग। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले चूल्हे पर एक पैन रखेंगे, कैरमल बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले डालेंगे शुगर 2 टेबल स्पून, पानी 2 टेबल स्पून। इसे मीडियम फ्लेम पर पका कर शुगर को कैरमलाइज करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन कलर आने लगा है, थोड़ा सा और कुक करेंगे। ये देखिए शुगर अच्छे से कैरमलाइज हो गई है। इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे वरना कड़वी हो जाएगी। तो इसे अब बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये मैंने कांच का हीट प्रूफ बाउल लिया है, आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, स्टील या सिल्वर के, जिसमें आप बनाना चाहें। तो बस कैरमल हमारी सेट हो गई है, अब इसे साइड में रख देते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अंडे और 1 ऑरेंज। ऑरेंज का जूस निकाल लेंगे। ये देखिए 1 ऑरेंज से 1/2 कप जूस निकला है। अब हम इन्हें मिक्सी जार में डालेंगे। अंडे, ऑरेंज जूस, ये 1/2 कप मिल्क है, 1/2 कप जूस था तो 1/2 कप मिल्क भी लेंगे 2 अंडे के लिए। शुगर डालेंगे 2 टेबल स्पून। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट तक। अब इस मिक्सचर को कैरमल वाले बाउल में डालेंगे। इसके बाद एक ऑरेंज लेंगे और इसका छिलका ऊपर से हल्का हल्का ग्रेट करेंगे। बस ऊपर से जो ऑरेंज वाली स्किन है उसे ही करना है, वाइट वाले को नहीं करेंगे, वरना पुडिंग हमारी कड़वी हो जाएगी। इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और स्टीम करने के लिए रखेंगे। चूल्हे पर रखेंगे एक पैन, कढ़ाई, कुछ भी, और उसके अंदर डालेंगे जाली स्टैंड और 2 कप पानी। अब बाउल को स्टैंड के ऊपर रख देंगे। ऊपर से छोटी सी प्लेट से ढक देंगे वरना इसमें पानी चला जाएगा। इसके ऊपर से भी कवर कर देंगे और स्टीम करेंगे 30 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर। 30 मिनट्स हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं पुडिंग को। देखें स्टिक हमारी क्लीन निकली है तो पुडिंग रेडी है। अब इसे निकाल कर ठंडा करेंगे, इसके बाद आपको दिखाएंगे। पुडिंग हमारी ठंडी हो गई है, 15 से 20 मिनट हो गए निकाले हुए। तो अब इसकी किनारी कट कर लेते हैं। फ्लेवर आ रहा है इसलिए और भी अच्छी लग रही है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।